नोटबंदी को लेकर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। नोटबंदी को 3 साल हो गए हैं और सरकार इसके नीम हकीमों द्वारा किए गए नोटबंदी सारी बीमारियों का शर्तिया इलाज के सारे दावे एक एक करके धराशायी हो गए। नोटबंदी एक आपदा थी जिसने हमारी अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया और इस तुगलकी कदम की जिम्मेदारी अब कौन लेगा। ट्वीट के जरिए मोदी सरकार पर हमला, नोटबंदी के फैसले को लेकर प्रियंका गांधी का जहां पर इस फैसले को तुगलकी कदम बताया है और कहा है कि आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि इससे हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है, हमारी अर्थव्यवस्था नष्ट हुई है। तो नोटबंदी पर एक आपदा थी जिसने अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया है। 3 साल हो गए हैं नोटबंदी को, लेकिन अब तक लोग उससे कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं और ऐसे में इस तुगलकी कदम की जिम्मेदारी अब कौन लेगा। तो ये प्रियंका गांधी का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर नोटबंदी का जिक्र करते हुए, नोटबंदी को 3 साल हो गए हैं, इस बात का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार और उसके नीम हकीमों द्वारा किए गए नोटबंदी के सारे जिस तरह से प्रयास किए गए थे वो विफल साबित हुए हैं। इससे हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा है, हमारी अर्थव्यवस्था को नष्ट हुई है और अब इस तुगलकी फरमान की जिम्मेदारी कौन लेगा।